लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। इस तरह से शक्तिमान ने खलीबली का भी काम तमाम कर दिया। हजारों साल बाद आपका ये गुलाम दोबारा ताकतवर बनने लगा है। आज ही मैंने कुछ बच्चों की उम्र खींची है अपने शरीर में महामहिम। बच्चों की बीमारी का आखिर क्या कारण हो सकता है जो तुम्हारी भी समझ में नहीं आ रहा है शक्तिमान? तो तुम हो बच्चों की बीमारी का कारण। बच्चों में बीमारी के कीटाणु फैला रहे हो। अब तुम भी नहीं बचोगे शक्तिमान। आखिर बच्चों के दुश्मन क्यों बने हो तुम? क्योंकि मैं भविष्य को खत्म करना चाहता हूँ ताकि अंधेरा पूरी तरह कायम हो सके। शक्तिमान के रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अब देखिए आइए देखते हैं शक्तिमान का संदेश। संकट की इस घड़ी में सिर्फ सावधानी आपके बच्चों का जीवन बचा सकती है। आपके बच्चों को बूढ़ा बनाने वाला कीटाणु मैन है। ये कीटाणु मैन इस दुनिया से बच्चों का नामो निशान मिटा देना चाहता है ताकि इस दुनिया में अंधेरा कायम हो सके। मगर अंधेरा न कभी जीत पाया है न कभी जीत पाएगा। मगर इस जंग में आप लोगों को मेरा साथ देना। कीटाणु मैन बच्चों को खाने पीने की चीजों के जरिए बूढ़ा बना रहा है, इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने बच्चों को बाहर के खाने पीने की चीजों से दूर रखें। यह जरूरी है आपके बच्चों के जीवन के लिए। तो
अब खाने की चीजों को जरिया बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। बच्चों की उम्र लगातार मुझे ताकतवर बनाती जा रही है। अब मुझसे बच्चों को नहीं बचा पाएगा शक्तिमान। सीधा हमला करने लगा है वो। कहां गया होगा वो? गुड मॉर्निंग सर। शैतान यहां भी अपना कहर बरपा गया है। कहां गया होगा वो? अरे हां, श्री सत्य ने उसे मूर्ति में कैद कर लिया था। मगर कैसे? शायद जवाब महाशय के कक्ष में मिले। महाशय ने कहा था कि श्री सत्य ने कीटाणु मैन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। देखते हैं क्या लिखा है। भविष्य में कभी भी मेरे बंधन से मुक्त हो सकता है ये कीटाणु मानव। निश्चय ही वो घड़ी संसार के लिए बहुत ही अशुभ होगी, कीटाणु मानव की शुरुआत में ही उसका अंत है। शुरुआत में ही उसका अंत है। क्या अर्थ हो सकता है इस पहेली का? बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर बनना है तुम्हें। इतना ताकतवर बनना है इस शक्तिमान को कुचल सको। जी महामहिम, बहुत जल्द शहर के सारे बच्चों की उम्र मेरी हो जाएगी। काफी नहीं होगा ये अंधेरे के लिए। एक शहर नहीं, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया के सारे बच्चों की उम्र छीन लो तुम। हाँ, ताकि दुनिया में नई पीढ़ी पैदा ही ना हो सके और अंधेरा कायम हो जाए हमेशा के लिए। होगा ऐसा ही होगा महामहिम तमराज के वेश। शक्तिमान की मौत मेरे ही हाथों होगी महामहिम। शक्तिमान, तुम क्यों नहीं बचा पा रहे हो बच्चों को? तुम कीटाणु मैन को पकड़ लोगे ना शक्तिमान? हमें बचा लोगे ना शक्तिमान? हमें बूढ़ा होने से बचा लोगे ना शक्तिमान? बोलो बोलो, हमें बचा लोगे ना? नहीं, तुम सबको बूढ़ा अब होना होगा। तुम सभी बच्चों को बूढ़ा होना होगा। तुम सबको बूढ़ा बनाने वाला कीटाणु मैन और कोई नहीं, मैं हूं, मैं शक्तिमान। शक्तिमान ही तुम सभी को बूढ़ा बना रहा है। शक्तिमान ही तुम सबको बूढ़ा बना रहा है। शक्तिमान।
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो शक्तिमान? तुम तो इन नन्हे बच्चों के दोस्त हो ना? दोस्त नहीं, मैं लगता है वहां भी कीटाणु मैन ने अपना कहर बरपाया है। क्या हुआ इन बच्चों को? ये कीटाणु मैन कोई और नहीं, शक्तिमान है, जिसने हमारे बच्चों को ये हाल किया है। क्या शक्तिमान? वो आ गया, मेरे बच्चों को मार डालेगा। मेरे बच्चों को बचा ले इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चों को बचा लिया। रुक जाओ शक्तिमान, इनफ। तुम्हारा ये रूप होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कीटाणु मैन बनकर बच्चों की यह हालत कर रहे हो? मैंने इन बच्चों की यह हालत की है? ओह, तो इसका मतलब है वो मेरा रूप बनाकर काम कर रहा है। कीटाणु मैन ने मेरा रूप बनाया होगा इंस्पेक्टर। उसने तुम्हारा रूप बनाया था या वो तुम ही हो, इसका फैसला बाद में होगा। इससे पहले भी तुम कानून तोड़ते आए हो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ। चलो मेरे साथ। इस समय उस शैतान को पकड़ना बहुत जरूरी है इंस्पेक्टर, माफ करना, मैं जा रहा हूं। रुक जाओ। नहीं इंस्पेक्टर। मेरा रूप बनाकर ये पाप कर रहे हो तुम, आज बचकर नहीं भाग पाओगे तुम। ये तुम्हारी गलत फहमी है शक्तिमान। शक्तिमान, मेरा मकसद तुझे मारना है, लेकिन उससे पहले दुनिया के सारे बच्चों से ही उनकी उम्र को छीनना है। तुझे भी मारूंगा, मगर उससे पहले तेरी आंखों के सामने सारे बच्चों को बूढ़ा बनाऊंगा, और तू चाहकर भी नहीं रोक पाएगा मुझे। चलो गाड़ी में बैठो। मैं समझता हूं कि अब आपकी गलतफहमी दूर हो चुकी है। शक्तिमान का निर्माण कानून तोड़ने के लिए नहीं, कानून की रक्षा करने के लिए चलता हूं। क्या देख रहे हो? बैठो। शक्तिमान, तुझे अंदाजा भी नहीं
कि मैं दिनों दिन कितना ताकतवर बनता जा रहा हूँ। शक्तिमान, मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि मैं एक रात में पूरे शहर ही नहीं कई शहरों के बच्चों को अपने कहर का शिकार बना सकता हूँ। आज की रात कहर की रात होगी, कहर की। अब तो 20,000 बच्चे उसका शिकार बन चुके हैं। दो बार वो तुम्हारे सामने आकर निकल भी गया और तुम उसका कुछ नहीं कर पाए शक्तिमान, क्यों? उसका अंत भी एक पहेलीनुमा वाक्य है गीता। यदि उस पहेली का अर्थ समझ में आ जाए गीता, तो समझ लो कि कीटाणु मैन का हल भी निकल आएगा। कैसी पहेली? बस एक वाक्य है, उसकी शुरुआत में ही उसका अंत है। बस यही एक वाक्य लिखा है श्री सत्य ने उसके बारे में। शुरुआत में ही उसका अंत है। एक मिनट, अगर हम उसकी शुरुआत उस खुदाई की जगह को समझ ले तो जहां पर उसकी मूर्ति निकली थी। चलो देखिए, देखिए आप लोग सब बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह रात में अकेले आना ठीक नहीं होगा। देखिए आप डरिए मत, आप अकेले छोड़िए, हम आपके साथ हैं भाई। लेकिन और ऐसी चीजें रात में ही दिखाई देती हैं, और फिर कीटाणु में थोड़ी आएगा यहाँ। कि आप लोगों को जो भी करना है जल्दी करिए। अरे महाशय, अरे महाशय, इधर आइए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सर क्या था? कबूतर महाशय है, आप भी यूं ही डर जाते हैं। कुछ देखा? अपने कुछ नहीं दिखा सर, वो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। कबूतर कैसे? और क्या मतलब हो सकता है? उसकी शुरुआत में ही उसका अंत है। कहीं उसकी शुरुआत का मतलब उस शुरुआत से तो नहीं है ना जो श्री सत्य के समय में हुई थी? ओह माय गॉड, कहीं कीटाणु मैन को खत्म करने के लिए श्री सत्य के समय में तो नहीं जाना पड़ेगा ना? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा उस कीटाणु। ये शहर नंबर 100 है, कल 100 और शहर के बच्चे मेरा शिकार बन जाएंगे। मैंने पीने के पानी को अपना जरिया बनाया है। शक्तिमान, मेरी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दिल्ली, कीटाणु मैन का आतंक, पंजाब, बच्चे मौत के साए में। हमें ये हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ही रात में इतने सारे शहरों में महामारी फैल गई है। I can't believe this. सर एक नहीं, पूरे 100 शहर। मुझे तो लगता है शाम तक ये पूरे देश में फैल जाएगा। फिर शक्तिमान क्या कर रहा है? वो रोकता क्यों नहीं कीटाणु मैन को? बरखा, मुझे लगता है शक्तिमान कीटाणु मैन को रोकने की कोशिश भी कर रहा होगा, लेकिन अफसोस ये न्यूज हमारे न्यूज चैनल के पास नहीं है। बरखा, इट्स सैड, सचमुच बरखा, ये बड़े दुख की बात है कि इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज हम मिस कर रहे हैं। आ गए आप दोनों? शोध में लगे हुए हैं। आइए, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको पता है इस देश के कई स्टेट्स एक साथ महामारी की चपेट में आ गए। फैक्ट्स देखिए, वो सामने टीवी में देखिए कैसे कैसे दृश्य आ रहे हैं। इतिहास में शायद ही कभी ऐसी भयंकर महामारी फैली होगी जिसने केवल बच्चों को अपना शिकार बनाया होगा। शक्तिमान भी लगता है इस बार असहाय हो गया है इस महामारी के सामने। हालांकि ये सभी जानते हैं कि इस बीमारी को फैलाने वाला कीटाणु मैन है जो इतना शक्तिशाली है कि शक्तिमान भी उसे पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन सबकी आशा अभी भी केवल शक्तिमान ही है।
शक्तिमान ने कीटाणु मैन को जल्दी नहीं रोका तो वो नहीं बचा पाएगा अपने दोस्त बच्चों को मरने से। आखिर ये सब रोक क्यों नहीं रहा है तुम्हारा शक्तिमान? अरे जाकर बताओ उसे, क्या वो ये सिर्फ देखता रहेगा? और ये बच्चे यूं ही मरते रहेंगे? मरते हैं तो मरे, लेकिन इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ऐसा मौका हमारे न्यूज चैनल को बार बार मिलेगा? शक्तिमान कीटाणु मैन के खिलाफ क्या कर रहा है इसकी पूरी न्यूज हमें दिखानी चाहिए, और ये जिम्मेदारी आप दोनों की है। ये तो समझते हैं ना आप लोग? छुओ मुझे, व्यर्थ है मेरा शक्तिमान होना, व्यर्थ है। बच्चे जिन्हें मैं अपना दोस्त कहता हूं, आज मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, उन्हें इस मुसीबत से नहीं बचा पा रहा हूं मैं। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे अलावा और कोई आएगा बचाने? जरा ठंडे दिमाग से उपाय ढूंढो शक्तिमान। तुम्हारा निर्माण समाज को संकट से बचाने के लिए ही हुआ है। अगर कीटाणु मैन का हल कोई ढूंढ सकता है तो वो तुम हो। बहुत तुम। अब तुम बहुत ताकतवर हो गए हो। इतने ताकतवर हो चुके हो कि दुनिया के सारे बच्चों को शिकार बना सकते हो। जाओ पृथ्वी के सारे वायुमंडल में, समुद्र में, सारी नदियों, तालाब, बांधों में, हर जगह फैला दो अपने जीवाणु, ताकि दुनिया में सांस लेने वाला हर बच्चा तुम्हारा शिकार बन जाए। आज आज ही फैला दो अंधेरा पूरी दुनिया में। जो हुक्म महामहिम तमराज किलवेश, अंधेरा कायम होकर रहेगा। मेरे इन्हीं दोनों हाथों से शक्तिमान की मौत होगी। शक्तिमान, बच्चों को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें उपाय ढूंढना होगा शक्तिमान, तुम्हें कीटाणु मैन को खत्म करना होगा, वरना अंधेरे की जीत हो जाएगी शक्तिमान। तुम्हारे होते हुए अंधेरा जीत जाएगा। मैं उसे हर हाल में रोकूंगा। सबको जीवन देने वाला पानी ही अब जहर बनता जा रहा है। कीटाणु मैन बड़ी तेजी से अपने कीटाणु पीने के पानी में मिलाता जा रहा है, और इस कारण देश का 50वां शहर भी उसके द्वारा फैलाई हुई बीमारी की चपेट में आ गया है। बच्चे तेजी से बूढ़े होते चले जा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी कैमरा टीम को, जो देश के पश्चिमी हिस्से राजस्थान के अस्पताल में है, जहां बूढ़े होते बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इसका इलाज किसी के पास भी नहीं है। और दूसरी तरफ कीटाणु मैन तेजी से बच्चों को अपना शिकार बनाता चला जा रहा है। काश जल्दी से पकड़ लेता शक्तिमान कीटाणु मैन को। पश्चिम के बाद अब खबर आई है देश के पूर्वी हिस्से उड़ीसा से। वहाँ भी बच्चे तेजी से बूढ़े होते चले जा रहे हैं। देश के किसी भी हिस्से में अचानक पहुंचकर लोगों को अपना शिकार बना रहा है कीटाणु मैन। तो फिर शक्तिमान उसे रोक क्यों नहीं रहा? मुझे बात करनी होगी शक्तिमान।
तुम मेरी आवाज सुन रहे हो शक्तिमान? शक्तिमान तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? शक्तिमान गीता, हाँ मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ गीता। शक्तिमान, कीटाणु मैन ओरिसा पहुंच गया है, वो वहां बच्चों को अपना शिकार बना रहा है, तुम वहां जल्दी पहुंचो शक्तिमान। यहां तो चारों तरफ कीटाणु फैला चुका है, वो अब कहां गया होगा, किस दिशा में गया होगा वो? और पूर्वी हिस्से के बाद अब देश के दक्षिणी हिस्से को अपना शिकार बना रहा है कीटाणु मैन। वहां भी बच्चे तेजी से बूढ़े होते चले जा रहे हैं। बीमार बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। लगता है देश के सारे बच्चों को अपना शिकार बनाकर रहेगा कीटाणु मैन। दक्षिण के बाद अब खबरें उत्तर भारत से आने लगी है, वहाँ भी लगातार बच्चे तेजी से बीमार होते चले जा रहे हैं। तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो शक्तिमान? तुमने ढूंढा कीटाणु मैन को शक्तिमान? गीता, मैं जहाँ भी जाता हूँ वो अपने कीटाणु फैला कर जा चुका होता है, मैं ढूंढ रहा हूँ उसे। पूरी दुनिया के बच्चे मेरा शिकार बनकर रहेंगे शक्तिमान, उनको मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। भारत का हर शहर, हर गांव, कह सकते हैं हर बच्चा चपेट में आ चुका है महामारी की, और अब तो भारत के बाहर भी ये बीमारी तेजी से फैलती चली जा रही है। दुनिया भर से लगातार खबर आ रही है बच्चों के बूढ़े होने की। पूरी दुनिया महामारी की चपेट में, लोगों को एक ही आखिरी रास्ता दिखाई दे रहा है, भगवान के घर का रास्ता। शायद कोई देवी शक्ति ही बचा सके इस दुनिया को संकट से। कब क्या दुनिया के सारे बच्चे मारे जाएंगे? कुछ कर क्यों नहीं रहा है शक्तिमान? आशा है आपको आज की कहानी का मुख्य भाग पसंद आया होगा। हम चाहते तो आपको आगे की कहानी भी दिखा सकते थे, पर चूंकि हमने आपसे यह वादा किया है कि हम शक्तिमान में मनोरंजन के साथ साथ एजुकेशन भी प्रदान करेंगे, इसलिए हम इस कहानी का आगे का भाग अगले एपिसोड के लिए छोड़कर अब शुरू करना चाहते हैं अपना वही भाग, बॉडी इज टेम्पल, फ्यू मिनट्स पर शक्तिमान, शरीर मंदिर है, चंद पल शक्तिमान के साथ। दोस्तों, बॉडी इज टेम्पल में आज हमने खास आप लोगों के लिए एक दिवाली स्पेशल बनाया है। हमारा आज का विषय है दीपावली सावधानी से मनाइए, सेलिब्रेट दिवाली विथ सेफ्टी। बंधु लोग, सुबह से पटाखे फोड़ रहे हो, दोपहर हो गई है, लोगों को जरा चैन की नींद सोने तो दो। लगता है तुमने कम पटाखे लाए हैं, इसीलिए नहीं जला रहे हो। अरे नहीं नहीं, हम भी बहुत सारे पटाखे लाए हैं, दिखाएं। हाँ देखिए देखिए, गंगाधर कौन से पटाखे लाया है, ये देखिए, ये अनार, ये फूटते हैं जब, इसमें किरण रूपी अनार निकलते। और ये देखिए, ये इसे कहते हैं जमीन चकड़ी, जमीन पर रखते हैं ना तो ये गोल गोल घूमते, गोल गोल घूमते, घूमते 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 घूमते। नहीं अच्छा लगा। देखिए ये देखिए,
ये अबे निकल, ये फूल जड़ियां जब जलती है ना तो ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल सितारे बिखर रहे हो। इसे भी कोई पटाखे कहते हैं? ढीले, फुसफुसे, बे आवाज, पटाखे तो इन्हें कहते हैं। ये देखो ये बम, ये डबल बम, एकदम धमाल। किस धमाल की बात कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई हम तो दिवाली मनाने आए हैं, आप लोग लगता है तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। गंगाधर अब ये धमाका सुनो। अरे नहीं नहीं, धमाका नहीं, कान का पर्दा बचेगा। भाई मुबारक मुबारक, पर मुबारकबाद बम के धमाके के बीच तो मत दिया करो, हमारा दिल अभी तक जोरों से धड़क रहा है। गंगा है, ये कैसे कपड़े पहन कर आए हो? दिवाली के दिन भला कोई ऐसे कपड़े पहन कर आता है? तो फिर कैसे कपड़े पहन कर आता है? ऐसे नए नए चमकीले, नरम नरम रेशमी, शानदार दिखने वाले महंगे कपड़े, समझे गंगाधर? हाँ। भाई हम तो समझ गए, पर लगता है आप लोगों को समझाना पड़ेगा। गंगाधर फिर से सोचने लगे। इन्हें छोड़ ना उसको, मेरे पास देख और कितने बम हैं, और मेरे पास बड़ी लड़ी। हाँ। मेरे पास भी बहुत सारे पटाखे हैं, आओ दिखाता हूँ दिखाता हूँ। देखो देखो ये अनार है, ये फुर्र करता है, और ये देखो देखो ये जमीन चकड़ी है, ये गोल गोल घूमती है, और ये फूल जड़ियां भी हैं। हाँ, और इसमें भी लंबी लंबी फूल जड़ियां हैं। गंगाधर तुम्हारे लिए ये अच्छा है डरपोक कहीं के। इसमें डरपोक का क्या मतलब? मैं तो पटाखे हाथ में भी जलाता हूँ। हाँ। और बम भी हाथ में जलाकर फेंक देता हूँ। अरे गंगाधर मैं तो रॉकेट हाथ में जलाकर उड़ा देता हूँ, तुम कर सकते हो ऐसा? अरे नहीं भाई नहीं, हम दिवाली मनाने आए हैं, हम कोई सर्कस में पार्ट लेने थोड़ी आए हैं। हाँ, अंगूर जो खट्टे हैं। हाँ। अंगूर खट्टे? अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे इतने बड़े बड़े, अरे कशोशरबा बंद करो, अरे बंद करो, अरे कान के लिए अच्छा नहीं होता ये सब, अरे कशोशरबा अच्छा नहीं है, अरे बंद करो, अरे हम जाते हैं, हम जाते हैं। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। दिवाली आप लोगों को भी मुबारक हो। गंगाधर से मजाक करके आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है, परंतु याद रखो ऐसा मजाक घातक और जानलेवा भी हो सकता है। इस तरह का मजाक किसी से नहीं करना चाहिए। तुम लोग जानते हो दिवाली में बम पटाखों से घायल होने वाले और जलने वालों की संख्या सबसे अधिक होती है, और ये अक्सर उन्हीं के साथ होता है जो दिवाली के इन पटाखों को मनोरंजन का साधन नहीं सर्कस का सामान समझते हैं। तो फिर पटाखे कैसे जलाएं शक्तिमान? दोस्तों कोई भी पटाखा जैसे कि ये अनार है, इसे जलाते वक्त पहले ये तय कर लो कि इससे दूर खड़े होने की जगह तुम्हारे पास है या नहीं, और जलाने के बाद कम से कम 10-15 फीट दूर जाकर इसे देखो, और हो सके तो माचिस के बजाय अगरबत्ती या फुलझड़ी का इस्तेमाल करो, और किसी भी पटाखे को जलाते समय उसे सीधा होकर मत देखो, उसे साइड से देखो, क्योंकि धमाकेदार पटाखे से जो रोशनी निकलती है उससे हमारी आंखें भी खराब हो सकती हैं। और रॉकेट, लो ये रॉकेट, ये रॉकेट बहुत सावधानी से जलाने की चीज है, इसे कहीं भी किसी भी तरह से जलाने की कोशिश मत करो, इसे हमेशा किसी बॉटल में रखकर, और वो भी इसे टेढ़ा नहीं सीधा रखकर इसकी दिशा देख लो कि ये आसपास के किसी के घर में तो नहीं घुस जाएगा, इसलिए हो सके तो रॉकेट को खुले मैदान में चलाओ ताकि वो किसी के घर में ना जाए। तुम लोग सिर्फ हाथों में फुलझड़ी जला सकते हो, और वो भी आंखों से दूर और घर के बाहर। बाहर? मैं तो पटाखे भी घर के अंदर जलाता हूँ। वैज्ञानिक महोदय, पटाखे और ऐसे खेल जिसमें आग का इस्तेमाल होता है घर के अंदर कभी नहीं खेलने चाहिए, और दिवाली की रात को कोशिश करके खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखने चाहिए। क्यों?
क्योंकि बाहर से जलने वाले पटाखे उड़कर कभी कभी खिड़की के रास्ते अंदर आ सकते हैं, इसलिए हमेशा खिड़की बंद रखनी चाहिए। और ये फुलझड़ी, इसका आनंद पूरी तरह लेने के बाद जब ये फुलझड़ी धीरे 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 कम हो जाए और पूरी तरह से बुझ जाए तभी इसे फेंकना चाहिए, और इसे जहां तहां कहीं नहीं फेंक देना चाहिए, बल्कि इसे किसी एकांत और कोनेदार जगह में अच्छी तरह से देखकर फेंकना चाहिए, नहीं तो आने जाने वाले लोगों के पैरों के तलवे जल सकते हैं। अब पता चला ना कि दिवाली के दिन तेज और धमाकेदार पटाखे नहीं जलाने चाहिए, हल्के फुलके और कम आवाज वाले लेकिन न्यारी सी रोशनी करने वाले पटाखे जलाने चाहिए। तेज और धमाकेदार पटाखे तो कभी नहीं जलाने चाहिए। वो क्यों शक्तिमान? क्योंकि एक तो उनका धमाका बूढ़े लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए और पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इतना तेज धमाका उनके कानों के पर्दों पर गंभीर असर पैदा कर सकता है, वो बहरे भी हो सकते हैं। और जो दिल के मरीज होते हैं वो तो अक्सर इतने तेजदार धमाकों को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और कभी कभी तो उनकी मौत भी हो सकती है। अच्छा, शक्तिमान इतना नुकसान होता है? हाँ, और दिवाली के इतने दमदार तेजदार धमाकेदार पटाखों से वातावरण में इतना प्रदूषण फैलता है कि तुम इमेजिन करो कि दिवाली के एक रात में इतना प्रदूषण वातावरण में एकत्रित हो जाता है कि साधारण परिस्थितियों में 15 दिनों में होना चाहिए। हवा, पानी और वातावरण में इतना प्रदूषण फैल जाता है कि मनुष्य जाति के अलावा वन्य प्राणियों को भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। बाप रे, शक्तिमान पटाखे इतने खतरनाक होते हैं? हाँ दोस्तों, और पटाखे जितने बड़े और धमाकेदार होंगे उतने ही महंगे भी होंगे। क्या फायदा एक ही रात में 2,000 से 25,000 रुपए खर्च कर दिए जाए, वो भी सिर्फ हानिकारक शोर सुनने के लिए। इससे अच्छा तो इन पैसों को उन गरीब बच्चों को दे दिए जाएं जो इन खुशियों से वंचित रह जाते हैं। इससे ज्यादा लोग हमारी खुशियों में शामिल हो जाएंगे, या फिर उन पैसों से मिठाइयां और अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे जाएं। मैंने तो वैसे भी महंगे महंगे कपड़े खरीदे हैं खास दिवाली के लिए, रेशमी नरम नरम। कपड़े जितने ही रेशमी और शानदार और मुलायम होंगे उतना ही पटाखों से उनकी आग पकड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तुम लोगों ने कहीं न कहीं दिवाली की रात में किसी न किसी को आग से जलते हुए सुना होगा। इसमें शानदार रेशमी लेकिन ज्वलनशील कपड़ों का भी योगदान रहता है। तो फिर हमें क्या पहनना चाहिए शक्तिमान? पटाखों से खेलने वाले लोग खास तौर पर बच्चों के लिए एक खास हिदायत, सादे और सूती कपड़े ही पहने। ऐसे कपड़े ना पहने जो बहुत जल्द आग पकड़ लेते हैं। और अगर अच्छे महंगे रेशमी और मुलायम कपड़े ही पहनने हैं तो आग या पटाखों के इर्द गिर्द कभी न जाएं। इस बात का ध्यान रहे कि अच्छे और शानदार कपड़े दिखाने के लिए होते हैं, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए होते हैं, खुद को हानि पहुंचाने के लिए नहीं होते। ठीक है शक्तिमान, अब हम सब ऐसे ही करेंगे, पर आज का मंत्र तो बता दो। हाँ। आज मैं तुम लोगों को मंत्र नहीं सुनूं। क्यों? मैं आज तुम लोगों को एक संदेश सुनूं। संदेश? अरे हमारे मोहल्ले में ये हीरो कहाँ से आ गया? अरे हीरो नंबर वन नहीं है, हम हैं हम, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री, असली घी वाले। हाँ, आपके कहने पर देखो हमने ये मुलायम रेशमी वस्त्र भी खरीद डाले, और देखो ये काला चश्मा भी खरीद डाला, देखो ये फीता भी नहीं निकला अब तक। आओ आओ पटाखे जलाते हैं। लेकिन गंगाधर, शक्तिमान ने हमें बताया है कि रेशमी कपड़े जल्दी आग पकड़ लेते हैं। हाँ। इसलिए हमें सादे और सूती कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा? हाँ। हम तो ये वस्त्र खरीद चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, कपड़ों को संभाल कर ये बड़ा वाला बम चलाते हैं। अरे नहीं गंगाधर,
शक्तिमान ने हमें कहा है कि बम के धमाके से बूढ़ों और बच्चों के कान के पर्दे पर असर होता है। हाँ। और दिल के मरीजों के लिए भी ये घातक है। हाँ। ऐसा? और बिना वजह हजारों रुपयों की बर्बादी। ऐसा है तो फिर हम बड़ा वाला बम नहीं जलाते, हम ये छोटा मोटा जो ये पटाखा है ना, इसे हाथ में रख कर जला कर दिखाते। आप भी गंगाधर को डरपोक कहना छोड़ देंगे। ऐसे नहीं जलाओ, इससे तुम जख्मी हो सकते हो, जल भी सकते हो। हाँ गंगाधर, और पता है पटाखों को घर के बाहर के मैदान में जलाने चाहिए, और जलाने के बाद काफी दूरी पर खड़ा होना चाहिए। हम जब बाहर जाकर नए नए वस्त्र खरीद रहे थे तो लगता है शक्तिमान भैया ने आकर आप लोगों के दिमाग का परिवर्तन कर दिया है। फिर तो वो आप लोगों को शक्तिमान का मंत्र भी बता कर गए होंगे। नहीं, आज शक्तिमान ने हमें संदेश दिया है। संदेश? हाँ, दिवाली संदेश। सुनो। जगमग जगमग दीप जलाओ, आई है आज दिवाली, खाओ पियो मौज मनाओ, रोशन कर दो ये रात दिवाली की। पर मत भूलो, दिवाली है त्योहार उजाले का, रोशनी का, अंधकार से लड़ने वाले प्रकाश का। और प्रकाश में न तो कोई आवाज होती है, न धमाका होता है, न ही कोई शोर शराबा। फिर क्यों जलाते हो ये बम, ये रॉकेट, ये धमाकेदार पटाखे? छोड़ दो इन्हें, दुश्मनों से लड़ने वाले हमारे जवानों के लिए, युद्ध की सीमाओं के लिए। रिमेंबर, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड नॉट साउंड। दिवाली त्योहार है उज्जवल दिखने वाले प्रकाश का, न कि बहरा बना देने वाली आवाज का। इसीलिए कहता हूं, जगमग जगमग दीप जलाओ, आई है आज दिवाली, खाओ पियो मौज मनाओ, रोशन कर दो ये रात दिवाली की। शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान।